हमारे एक और खास सेगमेंट का वीआईपी शेयर। और अरिहंत कैपिटल के एचओआर अभिषेक जैन हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। अभिषेक, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ प्रदेश को। आपकी तरफ से फंडामेंटल लिहाज से अगर बात करें तो वैल्यू पिक कौन सी होगी? वैल्यू पिक केपीए ग्रीन करके है, इट्स एन बीएससी, अभी जो एनएससी में भी लिस्टेड हुई है राइट नाउ, तो सूरत बेस्ड कंपनी और ये पावर जनरेशन में इंडिपेंडेंट आईपीपी, इसके अलावा कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर भी है। इनका ब्रांड है सोलरिज्म करके। अभी जैसे गवर्नमेंट का धीरे धीरे सोलर पावर जो इंसेंटिव मिल रहा है राइट नाउ, और मोर बहुत सारी कंपनीज धीरे धीरे अपना या तो खुद कर रही है या सोलर में थर्ड पार्टी में ईपीसी कर रही है, तो इसमें ऐसे एक केपीए ग्रीन एनर्जी ये कंटिन्यूसली 7 वर्षों में आज की तारीख में कंपनी 225 करोड़ का रेवेन्यू कर तक पहुंच चुकी है, और आगे जाके ये लगता है 2 साल में रेवेन्यू यहाँ से आराम से आपको डबल मिल जाएगा। तो इस साल 450 से 500 करोड़ का रेवेन्यू और अगले वर्ष आपको इसका 800 से 900 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, और इसमें कम से कम 40-45% मार्जिन बनेगा। तो ये अगर आप देखेंगे राइट नाउ आज 800 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है ये कंपनी, डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। और मार्केट कैप के हिसाब से भी और इसके हिसाब से तो ऑर्डर बुक है राइट नाउ इसकी क्लोज टू जो 150 मेगावाट करीब का ऑर्डर है बोथ आईपीपी और सीपीपी सेगमेंट में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो इसने आज कंपनी ने किया है राइट नाउ, जो अपना 11.3% लोन इन्होंने जो 180 करोड़ का लोन ले रखा था पीएफसी से, वो पूरा का पूरा रीफाइनेंस कराया है एसबीआई एट कम से कम 430 बिप्स सेविंग का। तो इसका भी इनको आगे जाके कम से कम 10 करोड़ रुपए का साल का इसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी ये आई थिंक ये एक बहुत ही नीच प्लेयर है राइट नाउ और अवेलेबल है आज की तारीख में FY23 में। अगर आप मेरा हमारा एस्टिमेट है कि ये 100 करोड़ का पैक करेगी तो 8-8.5 टाइम पे अवेलेबल है राइट नाउ। ये स्टॉक आराम से आपको यहाँ से 15-20 टाइम वैल्यू किया जा सकता है और एक साल में मेरे को 800 रुपये तक के टारगेट्स कम से कम लग रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ये जानकारी देने के लिए। तो यह फंडामेंटल पूरा एनालिसिस करके आपको बताया, और अगले एक साल में अभिषेक कह रहे हैं कि स्टॉक डबल हो सकता है, 800 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स, अच्छे ट्रिगर्स भी हमने आपको बताया जिसकी वजह से ये तेज़ी दिख सकती है। हाल ही में लिस्टेड कंपनी है तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। और सेंट्रम ब्रोकिंग से निलेश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज के लिए ऑप्शन की रणनीति कौन सी होगी आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पूजा। पूजा, देखिए बाजार में जो पुल बैक हमने देखा है उस पुल बैक में कुछ सेक्टर्स एंड कुछ स्टॉक्स बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उसी स्पेस में मैं कहूँगा सेक्टर जो है वो है मेटल्स, और मेटल स्पेस में जिंदल स्टील एंड पावर एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस फॉर्मेशन के चलते ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और गिरावट गहरा सकती है। 350 तक के लेवल हमें जिंदल स्टील एंड पावर में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन के जरिए इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। 360 का पुट ऑप्शन जो कि लगभग 16.5 के आसपास करंटली ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 22 से 25 रुपए तक के टारगेट होंगे। बिल्कुल, तो ये रहा है आपको ऑप्शन के जरिए आपको दे दी गई है। जिंदा स्टील अच्छा लग रहा है, 360 का पुट ऑप्शन लीजिए 13 के स्टॉप लॉस के लिए, और 22 से 25 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जिंदा स्टील में। बहुत बहुत शुक्रिया निलेश आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स जहाँ पर कि आज एक्शन दिख रहा था उन पर बात कर लेते हैं। और